पूरे जीवन भर जनेश्वर मिश्र जी गरीब, पिछड़े, दलित और जिनका जीवन अभाव में रहा उनके लिए संघर्ष करते रहे। गरीब को कैसे सम्मान मिले, कई भेदभावों से ऊपर हट करके जनेश्वर मिश्र जी ने हमेशा समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा करके न केवल हम समाजवादियों को विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है, बल्कि देश के खुशहाली के रास्ते के लिए भी उन्होंने हमेशा समाजवादियों को आगे बढ़ने के लिए और कैसे आगे बढ़े समाजवादी आंदोलन उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहे। जनेश्वर मिश्र जी को हम याद करते हैं, उनके नाम से ये बना हुआ पार्क आने वाली पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। सर, आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने भी आज एक सुबह ट्वीट किया था। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे, हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहां गरीब दुखी ना रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हों, सब प्रसन्न हों, उस रास्ते पर चलेंगे सब।